वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। लता मंगेशकर की रिकवरी के लिए फैंस करें दुआ, अभी भी आईसीयू में हैं लता जी। बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। उनका मुंबई के कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल 92 साल की लता मंगेशकर डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। वहीं अब लता जी का हेल्थ अपडेट सामने आया है। डॉक्टर प्रतीत समदानी, जो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में गायिका लता मंगेशकर का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि लता जी अभी भी आईसीयू में हैं। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करें। आगे उन्होंने बताया कि गायिका लता मंगेशकर को अभी देखभाल की जरूरत है, इसीलिए वो कुछ और दिनों तक आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में ही रहेंगी। उनकी हालत पहले जैसी ही है, किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। इससे पहले लता मंगेशकर की भतीजी रचना शाह ने बताया था कि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और वे रिकवर कर रही हैं। अधिक उम्र के कारण उन्हें कई समस्याएं हैं। लता दी की बिगड़ी हालत के चलते उनके फैंस उनकी जल्द से जल्द रिकवरी की दुआ कर रहे हैं। 92 वर्षीय गायिका लता मंगेशकर ने हिंदी समेत कई भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए हैं। लता जी कई बड़े सम्मानों के साथ 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न से भी सम्मानित हो चुकी हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज का जादू पिछले 60 सालों से पूरे देश पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज सबके चहेते स्टार सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में जन्मे सुशांत का करियर केवल 10 साल का था, लेकिन वो सबके दिलों में इस कदर उतर गए कि उनके ना रहने की खबर ने उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे करीब 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन फैंस के दिल में उनकी याद आज भी ताजा है। सोशल मीडिया पर आज सुबह ही जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर के फैंस ट्वीट कर उन्हें याद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी सुशांत के जन्मदिन पर उन्हें याद किया है। सुशांत की पिक्चर शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है, आसमान के चमकते सितारे को जन्मदिन की बधाई। सोशल मीडिया पर कंगना की इस स्टोरी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर उन्हें याद किया है। रिया ने सुशांत के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रिया उन्हें साइड हग करती दिख रही हैं। इस वीडियो के साथ रिया ने कैप्शन में लिखा है, मिस यू सो मच, और साथ ही में उन्होंने एक दिल इमोजी भी शेयर किया है। इतना ही नहीं, रिया ने सुशांत के साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करी है। सुशांत को याद करते हुए अभिषेक कपूर ने भी सुशांत को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। अभिषेक लिखते हैं, जन्मदिन मुबारक जाने मन, तेरे जैसा ना कोई है ना कोई होगा, जय भोलेनाथ, हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत। आपको बता दें कि सुशांत के साथ अभिषेक काईपोचे और केदारनाथ में काम कर चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी सुशांत को याद करते हुए उनके साथ उनकी तस्वीर स्टोरी पर शेयर की है। अनुष्का और सुशांत फिल्म पीके में साथ काम कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत एक बार फिर ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस सितारे को दिल से याद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।